Hello and welcome back in my channel, my dear friends. Today we are going to prepare a new recipe. आज हम बनाने जा रहे हैं a common चीज but with a secret recipe. It is my mother's secret recipe to build a गोभी पराठा. But नाम गोभी पराठा आपको लग रहा है कॉमन है, तो सभी जगह मिलता है, बट इट इज अ सीक्रेट रेसिपी. अगर रेसिपी सीक्रेट है तो स्वाद भी सीक्रेट होगा. अब आपको ये तो बाद में ही पता चलेगा, आपको पूरा वीडियो देखना पड़ेगा. आप देखिए और इन्जॉय कीजिए. आप वीडियो के एंड में आप बोलेंगे रियली इट इज सीक्रेट, क्योंकि ये यूट्यूब पे आपको मिलने वाला नहीं है कहीं और. ये फर्स्ट टाइम मैं बना रहा हूँ और ये मेरी मदर सीक्रेट है और किसी के पास भी नहीं है. फर्स्ट टाइम यू विल सी इट हियर ओनली इन माय चैनल. ओके, तो स्टार्ट करते हैं. अभी मजा आएगा ना भिड़ो. तो सबसे पहले हम लेंगे गोभी, बिल्कुल ताज़ा, फ्रेश, वॉश किया हुआ. अच्छे से वॉश करना होगा क्योंकि इसके अंदर कई बार कुछ कीड़े वगैरह निकलते हैं. और दूसरा मैं ले रहा हूँ थोड़े से मटर. अब इसके बाद हम लोग इसके क्या है, छोटे छोटे से ऐसे बड़े, मतलब ज़्यादा छोटे नहीं, ऐसे बड़े बड़े पीसेस कर लेंगे और उसे कुकर में डालते जाएंगे. ठीक है ना, मटर भी साथ में डाल देंगे और फिर इसको हम बॉईल करने रखेंगे और केवल एक सीटी लेंगे. थोड़ा पानी डालेंगे और इसे हम कुकर को बॉईल होने गैस पर रख देंगे. मीडियम फ्लेम पर रखना है, ज़्यादा फास्ट फ्लेम पर नहीं रखना है. और एक सीटी लेने के बाद इसको बंद कर देंगे. तो दोस्तों, जब तक ये अपना बॉईल हो रहा है तब तक हम अपना रेसिपी का दूसरा पार्ट रेडी कर लेते हैं. हम लोग डो लगा लेते हैं. डो में हम वे लेते हैं, आटा ले लेते हैं, इसके साथ लेते हैं, इसमें थोड़ा सा मिलाते हैं बेसन. तो हम शुरू करते हैं, आटा ले लेते हैं और उसमें थोड़ा मिलाएंगे हम बेसन, मिलाएंगे थोड़ा सा, ज़्यादा नहीं मिलाएंगे, थोड़ा ही मिलाएंगे. और इसके बाद इसमें मिलाएंगे हम अजवाइन, अजवाइन मिला लेंगे थोड़ी, देखिए. और इसमें अब मिलाना है हमको सॉल्ट, जो कि हमको सॉल्ट थोड़ा ज़्यादा मिलाएंगे सॉल्ट, क्योंकि ये पराठे हैं इसलिए सॉल्ट थोड़ा सा ज़्यादा मिलाएंगे. और फिर इसको हम अच्छे से मैस कर लेंगे. और इसमें अब हम मिलाएंगे थोड़ा सा ऑयल, ठीक है ना, ऑयल मिलाना ज़रूरी है ताकि हमारे जो पराठे हों काफ़ी सॉफ्ट बने. और इसको अच्छे से मिक्स करके और हम इसको अच्छे से मैश कर लेते हैं. ऑयल को हमको थोड़ा सा ऐसे अच्छे से मिक्स कर लेना है, उसके बाद फिर पानी मिलाकर हम इसको अच्छे से गूंद लेते हैं. अब हम इसमें थोड़ा पानी डालेंगे और अच्छे से मैश करेंगे. और हाँ, आटा लगाते हुए एक ज़रूरी बात बताना तो भूल ही गया, हम आटा लगाते लगाते एक एक बढ़िया सा सॉन्ग भी सुनते रहेंगे मोबाइल में. देखिए कौन सा. डांस मेरी रानी, नाच 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 मेरी रानी, नाच 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 मेरी रानी, नाच 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 मेरी रानी, नाच 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 डांस मेरी रानी. हाँ, तो अभी आटा रेडी हो गया है, अभी इसको हम सेट होने रख देंगे और अपनी बैक टू अवर अपनी रेसिपी पे चलते हैं. हाँ, तो ये हमारे गोभी अब बॉईल हो गया है, अब हम इसे निकाल लेंगे. हाँ, तो हमने ये गोभी निकाल लिया है, अब इसे अच्छे से इस तरह से ऐसे मैश करेंगे, बढ़िया एकदम बारीक. और बिल्कुल उसमें अच्छे से मैश कर लेंगे, बाद में फिर हम इसमें मसाला मिलाते हैं. तो अब ये बहुत अच्छे से मैश हो चुका है, आप देख सकते हैं बिल्कुल बढ़िया मैश हुआ है. और अब हम इसमें मिलाएंगे थोड़ा नमक. थोड़ा हरा धनिया चॉप किया हुआ, हरी मिर्च चॉप की हुई, और इसको अच्छे से इसको अच्छे से मिक्स कर देंगे.
हम इसमें रेड चिली भी मिला सकते हैं वो जैसा अगर हमको पसंद है तो, और अगर गरम मसाला वगैरह अगर कोई पसंद करता है तो मिला सकता है, बाकी तो ये सफिशियंट है। तो हम शुरू करते हैं पराठे बनाना। ये हमारा आटा है जिसे हम अब गोल गोल बनाएंगे गोले, और ये हमारा मसाला है। अब आप सोच रहे होंगे ये इतना लिक्विड सा है, पराठे कैसे बनेंगे, तो अभी रुको जरा, सबर करो, बोला धक्का मुक्की नहीं करने का, आराम से लेने का। हमने गोले बना लिए हैं, अब इनको बेलना शुरू करते हैं। साथ में हम तवा भी रख देते हैं गरम होने, तो ये गरम होगा मीडियम फ्लेम पर, बाद में इसको लो कर देंगे एकदम। देखिए मैंने रोटी बेल ली है, लेकिन मैंने एक नहीं दो रोटी बेली है। देखिए एक यहाँ रखी है एक यहाँ है, अब आप समझ गए होंगे कि ये कैसे लगाने वाला हूँ, फिर भी मैं आपके सामने ही लगा देता हूँ। देखिए इस पर मुझे इस तरह से इसको फैला देना है, पूरे पे अच्छे से लगाना है। अब मैंने कितने अच्छे से मसाला लगा दिया है, अब ये इसके ऊपर मैं बराबर ऐसे बिछा दूँगा। हो गया, अब इसे मैं तवे पर रखूँगा प्यार से आराम से। तो अब ये तवे पे रखा गया है आराम से, अब इसको धीरे धीरे स्लो फ्लेम पर इसको सेकते हैं। पराठे को आराम से टर्न करेंगे ताकि मसाला बाहर ना निकले, और फिर इस पर हम लगाएंगे ऑयल। हम इस पर बटर भी लगा सकते हैं, बटर से थोड़ा सा स्वाद और परफेक्ट हो जाएगा। हाँ तो भाई गर्मा गर्म पराठे रेडी टू ईट, देखिए कैसे लग रहे हैं, मज़ा आया। मेरे पास रेडी हो गए हैं पराठे, और ये लास्ट बचा है, इसे भी मैं बना लेता हूँ, उसके बाद फिर हम खाते हैं ग्रीन चटनी से। तो चलें पराठे का लुफ्त उठाने। ये है ग्रीन चटनी, ये है पराठा, और अगर हम इसे इस तरह से कट कर लेते हैं पिज़्ज़ा के शेप में, तो फिर आप देखिए और मज़ा आएगा। बस थोड़ी सी पिज़्ज़ा डेकोरेशन और चाहिए, फिर बच्चों को मज़ा आ जाएगा पिज़्ज़ा खा के, ऐसा स्पाइसी और मज़ेदार पिज़्ज़ा। चलिए इंजॉय करते हैं, गुड बाय, इंजॉय कीजिए आपका हॉलीडे। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो, लाइक एंड शेयर करना ना भूलें। थैंक यू वेरी मच।